हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ स्टोन क्लिनिक पुणे। हमारे चैनल पे हम किडनी स्टोन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि किडनी स्टोन कौन से एज ग्रुप में अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि किडनी स्टोन न्यूबॉर्न से लेके ओल्ड एज तक आपके लाइफ टाइम में कभी ना कभी हो सकता है। 100 में से 10 लोग उनकी थ्रू आउट द लाइफ की जर्नी में किडनी स्टोन से अफेक्टेड होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नंबर है, यानी कि लाखों करोड़ों लोग किडनी स्टोन से अफेक्टेड है। किडनी स्टोन मोर कॉमन है 20 से 60 की एज ग्रुप में, और एज आपकी जैसे बढ़ते जाती है तो किडनी स्टोन का क्योंकि ये लोग आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वर्किंग होते हैं, तो उनकी जो वाटर इनटेक है मे बी कम हो सकती है, डिहाइड्रेशन से वो अफेक्टेड हो सकते हैं, और उसकी वजह से ये नेचुरल है कि 20 टू 60 एज ग्रुप में आपको किडनी स्टोन होने की ज़्यादा संभावना है। बट इंसिडेंस है, यानी कि जो लोग उनके 50s में हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किडनी स्टोन से वो अफेक्टेड हो जाए। जैसे कि बहुत ही कम एज में, यानी 1 साल 2 साल की एज में जो बच्चे होते हैं उनको किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं कि उनके बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन और उसके कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म है उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है, बाय बर्थ ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या कुछ लोगों को जो किडनी की स्ट्रक्चर है या यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि किडनी और किडनी से आने वाली पाइप यूरेटर उसमें अगर ब्लॉक है तो ये किडनी स्टोन से अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनमें रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और ओल्ड एज में मेनली जो ओल्ड एज मेल पॉपुलेशन है वो प्रोस्टेट से अफेक्टेड रहता है। इसकी वजह से यूरिन कम्प्लीटली बाहर नहीं आना, यूरिन जमा होना, तो वो ब्लैडर स्टोन से ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना होती है। तो आज हमने कौन से आयु में आपको किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस है ये देखा। आने वाले वीडियोस में किडनी स्टोन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको और भी जागरूक करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, दिमाग में कुछ सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।